ग्रेविटी इसके फेस में, ठीक लिख ले। अगर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन, देखो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जैसे फ्लोट फ्लोटेशन है अप्लिक सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर, उसी प्रकार ग्रेविटी सेपरेशन इट इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। पहला पॉइंट यह लिखना, इट इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हाइड्रोलिक मेथड भी कहते हैं और इसको लेविगेशन भी कहते हैं, दूसरा पॉइंट लिख देना है। और यह उस ओर के लिए एप्लीकेबल है जिसमें ओर और गैंग के बीच में डेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी, देयर इज डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन ओर एंड गैंग, ये जरूर लिखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना है। मस्ट है इसका कि ग्रेविटी सेपरेशन उसमें एप्लीकेबल है जिसमें डेंसिटी का डिफरेंस है ओर और गैंग के बीच में, इसीलिए लिखे हैं देयर इज डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन ओर एंड गैंग। और इसमें क्या होता, कुछ नहीं है कि ओर को पानी से हम धोते हैं, ओर को पानी से धोना ही ग्रेविटी सेपरेशन है और कुछ नहीं है। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब ओर को पानी से धो, यही काम करता है। इसमें क्या होता है कि हेवी पार्टिकल जो है, अशुद्धि अगर हेवी है तो बाहर चला जाए, अशुद्धि हेवी है तो बैठ जाएगा, और लाइटर है तो पानी के साथ बाहर चला जाएगा। इसमें एक करंट ऑफ वाटर इज ब्लोन, लाइटर इंप्योरिटीज वास्ट है एंड ओर सेटल डाउन, यही इसका बेसिक चीज है। पानी से धोएंगे, पानी का झोंका देंगे तो लाइटर बैठ जाएगा। सेम चीज है, पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ करंट ऑफ वाटर, पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ करंट ऑफ वाटर, पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर लाइटर इंप्योरिटीज आर वास्ट अवे एंड ओर पार्टिकल्स सेटल डाउन। इस तरह से ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा हम लोग अलग करते हैं। ये बहुत प्राइमरी स्टेज का चीज है, दो दो लाइन इसमें लिखना रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ओर से फ्लोट फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ओर का कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं। ओर का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो मेजर उसमें दो पॉइंट पर हम लोग फोकस किए थे, फ्लोट फ्लोटेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें फ्लोट फ्लोटेशन ही मच। अब है कंसंट्रेटेड ओर जो हो गया, उससे हम लोग ओर कैसे प्राप्त करें। तो उसमें क्या होता है, ओर से पहले हम लोग मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड, इसी बात पर पूरा लेक्चर आज आपका रहेगा। कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, हुआ क्या, जैसे ओर है, बेसिक बात देखिए, ओर के पहले हमने क्या किया, कंसंट्रेशन कर दिया, कंसंट्रेशन कर, तो कंसंट्रेशन के बाद जो ओर प्राप्त हो गया, इससे कुछ अशुद्धि हट जाता है, सम इंप्योरिटी आज रिमूव्ड, इसीलिए इसको हम लोग कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं।
कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर से हम क्या करते हैं, ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड। तो ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दो तरीका है, या तो कल्सिनेशन से करेंगे, ओर का कंसंट्रेटेड ओर का कल्सिनेशन होगा मेटल ऑक्साइड बनेगा, या दूसरा तरीका है रोएस्टिंग। रोएस्टिंग यही हमको बताना है, कल्सिनेशन क्या है, रोएस्टिंग क्या है। अब मेटल ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ इसका असमेल्टिंग करते हैं, असमेल्टिंग मेटल ऑक्साइड का जब करेंगे असमेल्टिंग, तो इससे ऑक्सीजन हट जाएगा और मेटल प्राप्त हो जाएगा, मेटल प्राप्त हो। अब मेटल का फिर हम इसको हम लोग चमकाना रहता है तो रिफाइनिंग कर देते हैं, तब प्योर मेटल प्राप्त। ओके, स्क्रीनशॉट। अब है कल्सिनेशन। तो कल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग गर्म करते हैं। कल्सिनेशन का बेसिक मतलब होता है हीट, गर्म का पर्पस क्या है, मॉइस्चर बाहर हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हट जाएगा, कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा और हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा, और यह रेबरेटरी फर्नेस में होता है, यही इसका बेसिक है। तो कल्सिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, कल्सिनेशन में इस ओर को हम लोग हीट करते हैं, लेकिन इसका क्रूशियल पॉइंट क्या है, ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर का प्रेजेंस नहीं रहता है, एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, यही बात हम लिखेंगे। ओके, कल्सिनेशन में क्या हुआ, हीटिंग द ओर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, ओर को गर्म करना ही कल्सिनेशन है, कल्सिनेशन का मतलब ओर को गर्म करो, लेकिन कंडीशन है कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म होना चाहिए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कल्सिनेशन क्या हुआ, हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इससे होगा क्या, ओर को जब गर्म करेंगे तो मॉइस्चर बाहर हो जाएगा, मॉइस्चर आर रिमूव्ड, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। ऐसे भी किसी चीज को जैसे कपड़ा कब सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हीट मिलता है तो उससे मॉइस्चर बाहर हो जाता है, ओर में भी रहता है मॉइस्चर, लेकिन उस नॉर्मल टेम्परेचर से नहीं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं तब उससे मॉइस्चर इवेपोरेट करेगा, तब मॉइस्चर इज रिमूव्ड। दूसरा, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज भी से बाहर हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड। वोलेटाइल इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड। और इसमें क्या होगा, यह जनरली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए है, तो मेटल कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स आर ऐसे भी कार्बोनेट के हीट करने के बनता है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और हमारा पर्पस क्या था, मेटल ऑक्साइड प्राप्त करना, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड।
जो होता है बहुत सारा फर्नेस है, लेकिन इसको हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में कहते हैं। एरेट आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस बहुत फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस, साफ फर्नेस, लेकिन इस ये हम लोग करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि और थोड़ा सा हल्का हो जाता है और पोरस भी हो जाता है, क्योंकि CO2 से निकलेगा, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज निकलेगा तो पोरस होता, और बिकम्स पोरस। तो ये सब पॉइंट लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, और बिकम्स पोरस। तो आंसर लिखने का मतलब है कि पावर पैक्ड आंसर लिखना चाहिए, लैकोनिक फी वर्ड्स पैक्ड विथ मी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको और में कहते कैल्साइटो, वो तो मत कैल्साइटो कैल्साइट। अब यही अगर प्योर हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं, इसमें अशुद्धि है तभी कैल्साइट पढ़ते हैं। तो इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो इससे CO2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी देखिए, इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं जरूरी पड़ता है, क्योंकि ओर में ऑक्सीजन ऑलरेडी है। तो ओर में जब ऑक्सीजन है तो इससे हमको ऑक्सीजन इसमें अटैच करने की जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरी नहीं है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसलिए कैल्सिनेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ओर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसको जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और CO2 हो जाएगा, तो CO2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट यही मान लीजिए कि हमारा ओर है, समझ लीजिए यही कोई ओर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो इससे जब CO2 जब निकलेगा, CO2 से सब बाहर हो रहा है, अब बच किया गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हल्का हो गया, लाइटर हो गया और पोरस हो गया, पोरस हो जाता है ड्यू टू एस्केप ऑफ CO2। तो देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट कन्वर्ट करेगा ऑक्साइड में, तो कैल्सिनेशन का पर्पस क्या है, टू कन्वर्ट ऑक्साइड। कालामाइन जिंक कार्बोनेट है, बताएंगे इसका ट्रिक बताएंगे कैसे याद कीजिएगा, लेकिन अभी याद कीजिए काला में। इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको भी हीट करेंगे तो CO2 बाहर हो जाएगा, ये भी हमारा ऑक्साइड और में चेंज कर गया। तो कैल्सिनेशन का पर्पस है कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। जैसे डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, इसको डोलोमाइट कहते हैं। तो कहता है कि डोलोमाइट किसका ओर है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का ओर है। इसको जब हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड और 2CO2 बाहर हो जाएगा। तो देखिए, जितना कार्बोनेट ओर है सब ऑक्साइड में चेंज कर गया। नेक्स्ट, जैसे मान ली कोई ओर हमारा ऐसा ऐसा है L2O3 XH2, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इसको जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, इससे बच क्या जाएगा L2O3 हाइड्रेटेड रूम, ऐसा भी है Fe2O3, इसमें भी हाइड्रेटेड रूम कुछ पानी रहेगा। इसको जब हीट करेंगे
इसीलिए इसमें कहते हैं कि मॉइस्चर इज रिमूव्ड, वोलेटाइल इंप्योरिटी से रिमूव, CO2 बाहर हो जाए तो ऑक्साइड और प्राप्त हो गए। तो कल्सिनेशन का पर्पस क्या हुआ है, कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इस मोर को हम गर्म करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इट इज हीटिंग अप फॉर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ O2। अब इस सब मेन मेन पॉइंट हम लिख दिए कंडीशन। अब नेक्स्ट है रोएस्टिंग। रोएस्टिंग का मतलब होता है जलाना, रोस्ट करना, इसमें भी हीट देते हैं लेकिन रोएस्टिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों में अंतर यही है। इसमें गर्म करते हैं उसमें गर्म करते हैं, उसमें मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, लेकिन उसमें था इन द एब्सेंस ऑफ O2, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ O2। इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर यहां तक कॉमन है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट यहां तक कॉमन है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वहां था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहां इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब O2 हो गया, प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, तो इसमें क्या होता है, वह बात गर्म करेंगे मॉइस्चर बाहर निकलेगा ही, वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर निकलेगा ही, ये तो कॉमन पॉइंट है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड अगर है तब, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, ठीक है। डिफरेंस कहां है, यह सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है, जनरली सल्फाइड। तो आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, जैसे मान लीजिए सल्फाइड ओर है, ZnS जिंक ब्लेंड है, तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्साइड इसको बनाना है तो ऑक्सीजन हमको देना ही पड़ेगा, इसीलिए इसमें हमको ऑक्सीजन की जरूरी पड़ रहा है। ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, बैलेंस कर ZnS 3O2। इसीलिए इसमें लिखे हैं इन द प्रेजेंस, बिना एयर के प्रेजेंस में नहीं हो सकता, ऑक्साइड चेंज नहीं करेगा, चिकोर में नहीं ऑक्सीजन है तो बाहर से हमको ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, सल्फाइड ओर से कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड। अच्छा, इसमें भी स्क्रीन शॉट, सल्फर रहेगा प्यूरिटी में, आर्सेनिक फास्फोरस ये भी ऑक्साइड के रूप में, इम्प्यूरिटीज ऑफ सल्फर, अगला पॉइंट ये भी बहुत काम का है, इम्प्यूरिटी ऑफ सल्फर आर्सेनिक एंड फास्फोरस
आर रिमूव्ड इन देयर वोलेटाइल ऑक्साइड, इन देयर वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, SO2 गैस के रूप में ही बाहर हो जाएगा। और का सल्फर गैस के रूप में बाहर निकल गया। आर्सेनिक है, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, H2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में। फास्फोरस है, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, Ag P4O10 सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इसका क्रूशियल पॉइंट सेल्फ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लोग गौर नहीं करता है, लेकिन मच 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 इंपॉर्टेंट सेल्फ रिडक्शन। कंसिनेशन, कंसिनेशन तो ओर का जब कंसिनेशन होगा, ओर का कंसिनेशन होगा, यहां ओर है, इसको हम कंसिनेशन किए हैं मतलब गर्म किए हैं। ओर का जब कंसिनेशन होगा तो क्या बनेगा बोलिए, और का कंसिनेशन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और यही और का जब रोएस्टिंग होगा तो क्या बनेगा बोलिए आप लोग, बेसिक बात तो जानना बहुत जरूरी है, मिनिमम नॉलेज बहुत जरूरी है। और का कंसिनेशन मेटल ऑक्साइड, और का रोएस्टिंग मेटल ऑक्साइड, बनता है दोनों में वही मेटल ऑक्साइड। अंतर क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का हम लोग यूज नहीं करते, यही पर। और ऐसे भी कंसिनेशन का भी मतलब होता है गर्म करना, इसका भी मतलब होता है गर्म करना, रोस्ट। रोस्ट का लिटरल मीनिंग भी है, देखिए कोई किसी को क्रिटिसाइज किया या उस पर अटैक किया, पॉलिटिशियन एक दूसरे पर अटैक हमेशा करते रहते हैं, नेता लोग एक दूसरे पर हमेशा अटैक ही करते हैं, जनरल अच्छा काम कीजिए फिर भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो वहां भी करते हैं एक दूसरे को रोएस्ट करते हैं, वहां भी लिखते हैं रोएस्ट, दे रोएस्ट। जनरल लाइफ में होता है बीटर क्रिटिसाइज करना भी रोएस्ट हुआ, सिवियरली क्रिटिसाइज भी रोएस्ट हुआ, इसको कहते हैं उसने उस पर भड़ास निकाला, माने उसको रोएस्ट किया। रोएस्टिंग का मतलब जलाना होता है, अब इतना उसको भड़ास निकाला कि वो जल गया, उससे मीनिंग यही था।